हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकस क्लासेस। माय सेल्फ सत प्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप सही होंगे, आराम से होंगे, मजे से जीवन काट रहे होंगे अपना। ठीक है, देखिए पावर इंडिसेस सर्ट्स पढ़ना है। पावर इंडिसेस सर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे आज। ये नंबर सिस्टम से ही, नंबर से रिलेटेड ही टॉपिक है। इसमें हम लोग रूट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, घात, घातांक और करड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए इसमें हम लोग कई तरह के, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे और उस पर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। ठीक है, अब हम पावर इंडिसेस सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करने लग रहे हैं, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पावर इंडिसेस सर्ट्स घात, घातांक और करड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। लिख देते हैं घात, घातांक और करड़ी। ठीक है, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी लिख दिया है। वैसे हिंदी बोल दिया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहां से हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन से तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन, तमाम चीजें रूट में दी हुई है, उनपे पावर दिया हुआ है, पावर को सिंप्लीफाई करना, रूट में उसको कैसे सॉल्व करना, उसके बारे में बात करना होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, किसी चीज का, कोई चीज रूट में दिया हुआ है, कोई चीज रूट में दिया है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमें, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। हम रूट में कोई चीज दिया उसका स्क्वायर रूट निकालने का, जैसे 5 प्लस 2 रूट 6 दिया, 5 प्लस 2 रूट 6 दिया हुआ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग बात करने लग रहे हैं। देखिए 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब, किसी चीज का स्क्वायर रूट कब निकाल पाओगे आप, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट आप निकाल पाओगे। यहां से देखिए 5 प्लस 2 रूट 6 अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बनाया जा सकता है परफेक्ट स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में बनाया जा सकता है दोस्त? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into A into B। ठीक, अगर किसी तरह इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into A into B के फॉर्म में बना लोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कोई चीज होल स्क्वायर हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना सिंपल होगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, अब अगर इसको बनाना है तो क्या करोगे आप? देखो यहां से कहीं ना कहीं 2 into A into B आपको बनता दिख रहा है, आपको 2 into A into B बनता दिख रहा है हमें। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता दिख जाए तो बात कर लेंगे। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका हम बताते हैं, उससे आप डायरेक्ट बता पाओगे इसका स्क्वायर रूट क्या है। हम उसको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे है। देखिए यहां से 6 है, इस 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, इस 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि वो जोड़ने पे, ऐड करने पे 5 आ जाए। 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने पे 5 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 3 और 2 होना चाहिए। मेरे हिसाब से 3 और 2 होना चाहिए, आपका भी हिसाब वही होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करो, 3 और 2 जो आया ना उस पे रूट लगा के इसको जोड़ के लिख दो, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। कंडीशन एक होनी चाहिए कि यहां से रूट के पहले 2 होना चाहिए और यहां जो इसका फैक्टर कर रहे हो, इस फैक्टर को जोड़ने पे 5 आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? इस फैक्टर को जोड़ने पे 5 आना चाहिए और यहां रूट के पहले 2 होना चाहिए। अगर रूट के पहले 2 नहीं है तो रूट के पहले 2 आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 into A into B होता है। अब यहां से देखो, अगर इसका स्क्वायर खोलते हो, ओपन करते हो, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 into root 3 into root 3 root 2 हो जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे? यहां से 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही वाला पार्ट ले आया कि नहीं ले आया? ले आया ना, 5 यहां भी था, 5 प्लस 2 रूट 6 आया। मतलब यहां से बात प्रूफ होती है कि 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट रूट 3 प्लस रूट 2 ही होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे आएगा ही आएगा। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी क्वेश्चन हो आपका, जो चीजें रूट में दिया हुआ है उसका फैक्टर ऐसा करो कि जोड़ने पे 5 आए ही आए। जोड़ने पे अगर 5 आएगा तो हम जिस जो जो नंबर आ रहा है उस पे रूट लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई? अच्छा, यहां भी प्लस दिया है, यहां माइनस अगर दे देता तो यहां रूट 3 में से माइनस कर लेते रूट 2, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेते, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेते। कई लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि 2 में से 3 क्यों नहीं घटाते, तो मैं बता दे रहा हूं दोस्त, किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालने पे वो माइनस कभी आ ही नहीं सकता। किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालो और वो माइनस आ जाए, ऐसा होगा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात आपके समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करते हैं। स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीख रहे हैं कि रूट में अगर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। जैसे 15 प्लस 2 रूट 56 दिया, 15 प्लस 2 रूट 56 दिया, इसका स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहा है। आपका तरीका क्या होगा? 56 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि जोड़ने पे 15 आ जाए, तो हम कहेंगे 8 और 7 होगा। आप भी कहोगे हाँ सही कह रहे हो सर, 8 और 7 15 होता ही है। अब क्या कर लोगे, किसका स्क्वायर है? रूट 8 प्लस रूट 7 का स्क्वायर है। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट लेना हो, स्क्वायर रूट मतलब इस पे एक रूट, कितना हो जाएगा? रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई? तो कितना सिंपल है, कितने सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हो क्या? कर तो पा रहे होगे दोस्त, हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो माइनस में लेते हैं। जैसे दिया है 11 माइनस 2 रूट 24, यहां दोस्त 2 होना बहुत ही जरूरी है, 2 नहीं होगा तो 2 इंटू ए इंटू बी नहीं बन पाएगा। ये बात आप समझ में आ रही होगी आपको 100%? बात समझ में आएगी नहीं है? यहां से 11 माइनस 2 रूट 24 है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब इसके पे एक स्क्वायर रूट लगा दो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 24 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि जो जोड़ने पे 11 है, यहां माइनस भी है ना, तब भी हमें जोड़ने पे 11 ही लाना है। क्या कर लोगे? रूट 8 माइनस रूट 3 कर लोगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन हो, ये जो नंबर्स हैं, ये रूट 8 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है, इसीलिए हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद रूट 8 माइनस रूट 3 लिख लिया। और इसको इसका स्क्वायर करने पे यही नंबर आएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, बस यही बात ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, हर बार आपको ऐसा नहीं दिया होगा, हर बार आपको ऐसा नहीं दिया होगा कि दो पहले हो, तो अगर जहां दो नहीं है क्या करोगे? सबसे पहले दोस्त यहां दो लाओगे। दो कैसे ला पाओगे? यहां से 48 को 12 इंटू 4 लिख लो, 48 को 12 इंटू 4 लिख लो। अगर 4 को बाहर निकालोगे दोस्त, अगर 4 को यहां से स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 7 प्लस 8 2 के फॉर्म में आएगा कि नहीं? अरे यार 4 है, 4 का स्क्वायर रूट यहां निकाल ले, 2 आएगा कि नहीं? अब एक क्वेश्चन क्या बन गया पहले जैसा, 7 प्लस 2 रूट 12 कितना हो जाएगा? ये 12 लाना है, हाँ 12 यहां पे है, 12 का ऐसा दो फैक्टर जोड़ो कि जो जोड़ने पे 7 हो जाए। क्या हो जाएगा? 4 और 3 होगा, क्या हो जाएगा? ये रूट 4 प्लस रूट 3 का ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको तो रूट 4 प्लस रूट 7 लिख दोगे, बात खत्म हो जाएगी। बातें बड़ी सिंपल हो रही हैं, बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
एक ऐसा ही दिया है, शायद सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 7 - 4√3 बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल 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 क्वेश्चन कर 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। यहां से 7 - 4√12 दिया है, यहां हमें कितना चाहिए सिर्फ दोस्त, 2 चाहिए, तो जो बचा हुआ 2 है इसको 2 × 2 लिख सकते थे कि नहीं, 2 × 2 × √3, जो बचा हुआ 2 है उसको अंदर ले जाओ, 7 - 2 × 3 ×, अगर 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अंदर जाएगा 4 ही तो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे फिर 2 आएगा बाहर। बात तो समझ रहे होगे ना दोस्त, नहीं समझ रहे हो क्या, समझ तो रहे होगे भाई, कितना हो जाएगा 7 - 2√12, 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि जोड़ने पे 7 आ जाए, तो √4 - √3 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात आपके समझ में आई होगी, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी आपको, सिंपल ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनाना है आप बना पाओगे, कोई भी ऐसे इस पैटर्न का क्वेश्चन बना तो आप बना पाओगे। ये तो हो गए बेसिक पार्ट हमने बताया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने लेके चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, हम लोग दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, √7 / √16 + 6√7 - √16 - 6√7। हाँ, इसकी वैल्यू हमें पूछा है, सिंपल उसी कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे। देखिए देखने में लग रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स होगा, √7 / √6 और तमाम चीजें, लेकिन ये बड़े आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो यहां से 16 + 2 होना चाहिए, 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 3 जो बच रहा है उसको अंदर भेजना पड़ेगा। यहां भी ऐसी बातें हो जाएंगी, क्या कर लेंगे, इसको √7 ऊपर वाले को लिखा, नीचे वाले को क्या किया, 16 + यहां 2 को रहने दिया और 3 को अंदर भेज दिया। अगर 3 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 9 के फॉर्म में जाएगा कि नहीं दोस्त, अगर 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 के फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 बाहर चला आएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहां से हमने क्या किया, 16 - 2 को अंदर बाहर रहने दिया और हमने क्या किया, 3 को अंदर भेज दिया, 3 को अंदर भेजेंगे 9 के फॉर्म में जाएगा। अब ये कितना हो गया, 63 हो गया। इसके दो फैक्टर ऐसे जो जोड़ने पे 16 दे दें, और इसके दो फैक्टर ऐसे जो जोड़ने पे 16 दे दें, तो आप क्या कह दोगे, 9 और 7 इसका हो जाएगा और 9 और 7 इसका भी होगा, मल्टीप्लाई जोड़ने पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहां से क्या कर लोगे, √7 / ये कितना हो जाएगा, √9 + √7, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में √9 - √7 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई, आया होगा, ठीक है। यहां क्या कर लोगे, √7 / √9 + √7 - √9 + √7, √9 से √9 कैंसिल हो गया, ये √7 / 2√7 हो गया, ये √7 से √7 1/2 इसका आंसर आ गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस दिया हो हम लोग कर पाएंगे, सिंपल तरीका है, आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे बड़े आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरह के क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने सीखा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दिया हुआ है √-√3 + 3 + 8 = 7 + 4√3। अगर ऐसा दिया हुआ है इसका आंसर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां से आपको पहले इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा, एक क्या है स्क्वायर रूट में 7 + 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना आप जानते हो कि नहीं जानते हो दोस्त, जानते हो ना, कैसे निकालोगे, देखो कितना हो जाएगा ये 7 + 2√12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 2 को अंदर भेज दिया, 4 के फॉर्म में गया, 4 × 3 = 12 हो गया। क्या करोगे, 12 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो,
कि जोड़ने पे 7 आ जाए, कितना हो जाएगा रूट 4 प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे हम रूट 4 प्लस रूट 3 की वैल्यू लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने बताया क्यों लिखा, क्यों ऐसा किया, ये हमने बताया। ठीक है, यहां क्या लिख दोगे, माइनस 3 प्लस रूट में 3 प्लस 8। हाँ, अब यहां से देखो ये रूट 4 है, 2 हो जाएगा, 2 और 8 जा कितना हो जाएगा 16, माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 8 रूट 3। ये बात आपके समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस रूट 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये 8 है, यहां पे 8 नहीं चाहिए हमें, 2 ही चाहिए, तो 4 को अंदर भेज दोगे कितना हो जाएगा, 2 यहां तो बचेगा ही, 4 को अंदर भेजोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इंटू 3 है ही। इसके दो ऐसे फैक्टर करो, यहां से रूट दिख रहा है कि नहीं, ये आपको यहां से पूरा रूट दिख रहा है कि नहीं, इसको ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पे 19 आ जाए, तो 16 और 3 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 16 और 3 हो गया है, ये कितना हो जाएगा इसका रूट, माइनस रूट 3 प्लस रूट में 16 प्लस रूट में 3 हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और रूट में 4, रूट में 16 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, और यहाँ रूट है पहले से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात हमने सीखा, इस क्वेश्चन को हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सिंपली कर पाओगे। ठीक है, हम लोग नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नया क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 बाई रूट में 12 माइनस रूट में 140 माइनस 1 बाई रूट में 8 माइनस रूट में 60 माइनस 2 बाई रूट में 10 प्लस 84 रूट में। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को पता ही है स्क्वायर रूट से, रूट से स्क्वायर रूट मतलब कई चीजें रूट में दी हुई है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए यहां से ये दिया हुआ है 1 बाई रूट में 12 माइनस रूट में 140। क्या करोगे अगर इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए, अगर इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहां 2 बनाना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां बिना 2 बनाए इसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट में 12 माइनस, अब यहां से क्या करोगे आप, यहां से 4 बाहर निकालोगे तभी 2 के फॉर्म में आएगा, तो यहां क्या कर दोगे 2 रूट में कितना 35 बचेगा। अगर 140 में से 140 में से 4 बाहर निकालोगे तो 35 बचेगा, फिर माइनस 1 बाई 8 माइनस, यहां भी 4 यहां भी 2 चाहिए क्योंकि a माइनस b या a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है, तो 2ab या माइनस 2ab या प्लस 2ab होना चाहिए, यहां माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और चूंकि यहां 15 इंटू 4 था ना, ये 15 इंटू 4 लिखा था तो 15 बच जाएगा, 4 बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई रूट में 10 प्लस यहां कितना है 84 है, 4 बाहर निकाल लोगे कितना हो जाएगा 2 यहां निकलेगा, और ये कितना बच जाएगा यहां 21। बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात तो समझ में आ ही रही होगी। हमने क्या किया, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा किया। अब देखिए यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ऐसा 35 कैसे, दो फैक्टर जो जोड़ने पे 12 आ जाए, 7 हो गया 5 हो गया, यहां से क्या जोड़ने पे 8 आ जाए, 5 हो गया 3 हो गया, यहां से जोड़ने पे 10 आ जाए, 1 तो 7 हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, समझ में आई होगी। कितना हो जाएगा 1 बाई इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 5, मैंने बताया बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लो, माइनस 1 बाई रूट में 1 बाई रूट में 5 माइनस रूट में 3 माइनस 2 बाई रूट में 7 प्लस रूट में 3। ये बात आपके समझ में, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर इसका इसका हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, अगर दो चीजें रूट में दी हैं, प्लस है या माइनस है, तो एक कॉन्सेप्ट अभी बताया जाएगा, ऐसा हमने हम जो अभी करने जा रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बताया जाएगा जब आपको और भी थोड़े से चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी इस क्लास में ही जानो कि रूट 7 माइनस रूट 5 है,
रूट सेवन माइनस रूट फाइव है, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट सेवन प्लस रूट फाइव हो जाएगा, और जितने का डिफरेंस है इन दोनों में, पांच और सात में जितने का डिफरेंस है उसको नीचे लिख दो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर जो भी लिखा है प्लस माइनस में, अगर माइनस में है तो ऊपर ले जाके उसको प्लस कर दो, और जितने का डिफरेंस है उतना लिख दो अगर दोनों चीज रूट में है तब। जैसे यहां से इसको लिखना है तो वन बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री है, वन बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री है तो इसको फाइव प्लस रूट थ्री लिख दो, और यहां से पांच और तीन के बीच जितना डिफरेंस है उसको लिख दो। क्यों होता हम बताएंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इसको किया करेंगे अगले क्लास में, वो बातें बताई जाएंगी आपको। यहां से रूट सेवन प्लस रूट थ्री है, इसको क्या लिख सकते हो, रूट सेवन माइनस रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा, टू तो पहले से ही था यहाँ, इंटू टू, और डिवाइड बाई कितना 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 डिफरेंस है यहाँ, चार डिफरेंस, चार लिख लिया, दो से दो कट गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होगी। ये कितना हो जाएगा, सब में टू 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 है तो जोड़ लिया जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट सेवन प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री माइनस रूट सेवन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई कितना, टू हो जाएगा। रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो गया, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, रूट सेवन से रूट सेवन कैंसिल हो गया, और इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखने में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि रूट में स्क्वायर रूट, रूट में दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकालना, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, वन बाय वन करके हमने इसको बनाया, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से, बस करना कुछ नहीं है आपको, बस टू बाहर ले आना है रूट के, टू ए बी या माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी बनाना। एक देखिए, अभी 2016 में एक सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया, उसको डिस्कस करते हैं। वन बाई 11 माइनस, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल इतना ही सिंपल जितना हम लोग कर रहे हैं, माइनस 3 बाई रूट में 7 माइनस 2 रूट 10 माइनस 4 बाई रूट में 8 प्लस 4 रूट 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहां से रूट 2 पहले से है, यहां देखिए 4 है, 4 है तो यहां से हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो यहां जो 2 बचा बाहर का उसको अंदर भेज के 4 बना देते हैं, यहां 4 था ना, 4 को में से 2 हमने निकाल लिया और 2 को अंदर भेज दिया, 4 बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके देख लो आप क्या करने पे 11 बन रहा है, एक तो 6 है एक 5 है, इसका इसका कितना है 5 है और 2 है, 5 टू 10 होता है, 5 टू 7 होता है, इसका कितना हो जाएगा 12 है, तो एक तो 6 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? समझ में तो आ रहा होगा, कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 6 प्लस, सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस, रूट 6 माइनस रूट 5 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना, रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस 4 बाई रूट 6 प्लस रूट 2। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये जितना लिखा हुआ है अगर माइनस में लिखा है तो ऊपर करके प्लस में लिख दो, और जितने का डिफरेंस है नीचे लिख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से क्या करोगे, जितने का डिफरेंस अगर माइनस में लिखा है तो इसको प्लस में लिख दो, और जितने का डिफरेंस है उतना नीचे लिख दो, या यहां माइनस प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दो और जितने का डिफरेंस है उसको नीचे लिख दो। ये बात बिल्कुल सही है, अगर दो रूट में दोनों चीजें रूट में है जोड़ा गया है तो उसको ऊपर करके माइनस में है तो प्लस कर, जोड़ा गया प्लस में है तो माइनस कर सकते हो, माइनस है तो प्लस कर सकते हो। ये बात आपके समझ में आई होगी। इसका कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ये आया कैसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसमें बताने पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट उसी बेसिक से क्लास में बता देंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा माइनस रूट सिक्स प्लस रूट टू, रूट टू से रूट टू, रूट सिक्स से रूट सिक्स, रूट फाइव से रूट फाइव, आंसर कितना, जीरो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे सिंपल प्रॉब्लम आप लोग कर पाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि रूट में 11 प्लस 2 रूट 30 माइनस 1 बाई रूट में 11 माइनस 1 बाई रूट में 11 प्लस 2 रूट 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। रूट में 11 प्लस 2 रूट 30 और माइनस 1 बाई रूट में 11 प्लस 2 रूट 30, क्या करेंगे इसको आप जानते ही हो बनाना, 6 हो गया है 5 हो गया है 6 हो गया है 5 हो गया, जोड़ने पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, कितना हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 6 प्लस रूट 5, फिर कितना हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, तो माइनस का इधर मल्टीप्लाई होना है
तो मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस सिक्स से माइनस सिक्स कैंसिल हो गया, टू रूट फाइव इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसी बातें आप बड़े आसानी से कर लोगे। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइव प्लस टू रूट सिक्स रूट में और माइनस वन बाई रूट में फाइव प्लस टू रूट सिक्स। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होगा क्या, इसको दो फैक्टर में तोड़ लो, तीन और दो, तीन और दो जोड़ने पे कितना पांच आ रहे हैं। यहां से क्या कर लोगे, इसको दो फैक्टर में तोड़ लोगे, तीन और दो कितने पांच आ जाएंगे, कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू ए माइनस रूट थ्री, माइनस कितना हो जाएगा वन बाई रूट थ्री प्लस रूट टू। यहां से रूट थ्री प्लस रूट टू ए हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट थ्री कैंसिल, टू रूट टू आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ऐसी बातें आपके समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट ऐसे क्या, अगर ऐसा ही दिया है एक बार प्लस करने पे, एक बार यहाँ ऐसे दिया, एक बार वन बाई, एक बार सिंपल फॉर्म दिया, एक बार उसका अपोजिट दिया, तो उसका आंसर डायरेक्ट निकाल पाओगे आप, तरीका जानो। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, अगर आपको दो ऐसे नंबर्स, यहाँ टू इंटू ए भी तो होना ही चाहिए, और दो नंबर्स ऐसे आपको मिल रहे हैं जिनको जोड़ने पे वाला आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा है, तो टू लिख के जो छोटा वाला नंबर है उस पर रूट लगा दो, वही आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन का। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या करना है, यहां से इसको दो, थर्टी को दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में ब्रेक करो, छोटा वाला जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें रूट लगा के दो से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे यहां देखो थ्री और टू था, थ्री और टू था, छोटी वाली वैल्यू पे रूट लगा के और दो से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई आंसर हो गया। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपने सीखा कि स्क्वायर रूट का रूट कैसे निकाला जाएगा और आपने इस पे कई प्रॉब्लम्स भी किए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, ये हम लोग पता लगाएंगे कि वन बाई रूट सिक्स प्लस रूट फाइव ऐसा क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, हम इसको बताएंगे कि क्यों ऐसे होता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।